हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मेरे सामने मेरी बाइक खड़ी है, फटाफट से इसको पहले निकालते हैं। और टॉपिक से तो आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो इसको पहले मैं ऐसे ही रख देता हूँ, चाबी सबसे पहले ऑन करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि एक और इसमें एक चीज़ आई है। आप लोग देख, इसमें लिखा हुआ है सर्विस नॉट डन, ठीक है। ये देखो, ये वार्निंग है इसकी, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। ये आपको जो है व्हीकल इन्फो में जाके पता चल जाता है। वार्निंग्स में जाओगे तो ये लिखा हुआ है सर्विस नॉट डन, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो ना। अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे इसको हटाया जाए। अपन ट्राई करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम कि हटेगा या नहीं। चाबी अपनी बंद कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बैक वाला बटन दबाते हैं। बैक वाला दबा के रखा और चाबी ऑन करी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब इसको किल स्विच को ये कर दिया हमने, तो अभी भी मैंने दबा के रखा हुआ है तो कुछ भी नहीं हुआ। तो चलो भाई एक और ट्राई करके देखते हैं। पर क्या करेंगे, इस बटन को छोड़ देंगे, ठीक है। सो ये दबा के रखा मैंने और चाबी ऑन करी। तो भाई ये मैं आ चुका हूँ बाहर, ठीक है। मैंने अभी जैसे करके दिखाया था आपको कि ये वाला बटन दबाया और ये किया, तो अभी फ़िलहाल इसमें ना वार्निंग में रिफ्यूल का भी आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले फ्यूल डलवा लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कोई वार्निंग्स और कोई नहीं है। अभी तक मैं जब भी बाइक स्टार्ट करता था ना, तो सर्विस नॉट डन मतलब जब ये 500 किलोमीटर्स चल गई थी ना, तो उसी टाइम पे ये आ गया था। और अभी फ़िलहाल ये 570 किलोमीटर्स चल चुकी है। सो इवन आज मैं राइड पे भी गया था तो इसका सर्विस नॉट डन का लिखा हुआ आया था। अब मेरे को उसे हटाना था कि सर्विस, ऐसा नहीं है सर्विस नहीं कराऊंगा, सर्विस अभी कराऊंगा। थोड़ा सा अभी वेट कर रहा हूँ क्योंकि अब तो एक हफ्ते तक तो कहीं जाना नहीं है एंड कुछ काम भी है यार बीच में छोटा मोटा, तो टाइम निकाल के मैं जाऊँगा सर्विस कराने। तब तक बाइक हम ज़्यादा नहीं चलाएँगे, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो अभी फ़िलहाल मैंने कुछ बटन वटन दबाए थे तो क्या हुआ, वो सर्विस नॉट डन वाला जो वो सीन है वो हट गया। बट एक बार मैं फिर भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ फ्यूल डला के, क्योंकि एक वार्निंग जो अभी भी आ रही है लो फ्यूल की आ रही है। तो एक बार फ्यूल भी हम कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से चेक कर लेंगे, क्योंकि वार्निंग का साइन अच्छा नहीं लगता दिखने में। तो उस चीज़ को हटाने के लिए ये एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। सो फटाफट से यहाँ पे फ्यूल डालते हैं। ये पेट्रोल पंप आ गया मेरे लेफ्ट साइड में और फिर मैं आपको मिलता हूँ बाइक पे। सो पेट्रोल अपना फ्यूल अप हो चुका है भाई, आप देख सकते हो ग्रीन की बत्ती भी आ गई। फिलहाल बाइक की माइलेज यार कम आ रही है क्योंकि आज बहुत गलत भगाई थी, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। स्टार्टिंग में अच्छी माइलेज आ रही थी, धीरे धीरे गिरती जा रही है। सर्विस भी नहीं हो रही ना अभी आखिर। तो देखो माइलेज का तो यही है, चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो भाई सबसे पहले साइड में रोकते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो फ्यूल अप हो चुका, ठीक है। और अब पहले वार्निंग चेक करते हैं। लो, और भाई वो कोई वार्निंग ही नहीं है। मतलब मैंने जो ट्रिक आजमाई थी, एक बार मैं वो वीडियो फिर से प्ले कर देता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो जो स्टार्टिंग में आजमाई थी पता नहीं भाई लोगों ने देखी है नहीं, तो वो वीडियो ज़रा देख लेना। तो सबसे पहले हम ये बैक वाला बटन दबाते हैं। बैक वाला दबा के रखा और चाबी ऑन करी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब इसको किल स्विच को ये कर दिया हमने, तो अभी भी मैंने दबा के रखा हुआ है तो कुछ भी नहीं हुआ। तो चलो भाई एक और ट्राई करके देखते हैं। क्या करेंगे, इस बटन को छोड़ देंगे, ठीक है। सो ये दबा के रखा मैंने और चाबी ऑन करी, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो तो देख ली और मैंने भाई कुछ भी नहीं किया। लोग कहते हैं ना इसमें वो आएगा ये आएगा, उसमें सेट दबाना होता है, ऐसा कुछ करना होता है,
भाई अगर फॉर द टाइम बीइंग अगर आप मान लो कि आज नहीं हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद सर्विस करवाना चाह रहे हो बट पहले ही वो शो हो गया, तो उसको हटाने के लिए भाई कुछ नहीं करना। इसको मैंने दबा के रखा था बैक वाला और चाबी ऑन कर दी थी। चाबी ऑन करने के बाद अपना जो ये है किल स्विच, इसको मैंने नीचे किया था, नीचे कर दी के साथ हट गया। मैंने शायद सेट का बटन ये जो है उस पर ऐसे कुछ दबा के भी नहीं रखा था बट एक ही बारी में मेरा हट गया। और अब चेक करो भाई कोई भी वार्निंग नहीं आ रही। सो बहुत इजी है यार, मतलब आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जैसे ये सेट का बटन जो है और बैक का बटन जो है, तो बैक का बटन दबा के रखोगे चाबी ऑन करोगे किल स्विच को तब जाके ऑन करना भाई, ठीक है? पहले ऑफ रखना बाद में ऑन करना और वो अपने आप गायब होगा तो ठीक है, नहीं होगा भाई दोबारा ट्राई कर लेना। मैंने सेकेंड ट्राई में मेरा हो गया, ठीक है? अब कोई वार्निंग नहीं आ रही, फिर से आएगी तो फिर से कर लेंगे बट अभी तक तो नहीं आई, ठीक है? बाकी आएगी तो भाई ज़रूर बताऊंगा और नहीं आएगी तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बंदे का भाई कमेंट आया था कि बाइक में जो इशू है बाइक राइड को जा रही है। लो भाई बाइक बिल्कुल सीधी जा रही है कि आगे पुलिस बूथ में मैं घुस जाऊंगा, इतनी सीधी जा रही है। लो वो कह रहे थे ना राइट को जा रही है, भाई राइट को जा ही नहीं सकती बाइक। और रही बात, लोग कहते हैं ना भाई वाइब्रेशन नहीं जा रही, यार देखो मेरे तो इसमें मिसिंग थी चीज़, तो जो मिसिंग थी वो तो मैंने फिक्स करवा ली। अब मैं वाइब्रेशन का आपको बताऊं, मैंने भाई और भी बाइकें चलाई है जैसे 390 हो गई, ठीक है, FZ हो गई, इवन यामा हो गई, और भी ड्यूक वगैरह चलाई हुई है। सो कुछ बाइक जब चलाते हैं थ्रोटल देते हैं तो एक ना अजीब सी एक साउंड आती ही है, ठीक है? होता है कि हम लोगों ने एग्जॉस्ट वगैरह नहीं लगाया होता, अभी स्टॉक है तो हमें एग्जॉस्ट से ज़्यादा बाकी चीज़ों में ज़्यादा वाइब्रेशन की साउंड आती है, ठीक है? सबसे पहला तो मेन पॉइंट ये है। अब मैं ऐसे चला रहा हूँ एक गियर पे, ठीक है, और रो मैं कम गियर कर देता हूँ, एक ऐसे चला रहा हूँ, इंजन पे जब लोड पड़ता है ना तो नीचे का जो ये फुट रेस्ट है ये थोड़ा वाइब्रेट करता है, ये हर बाइक में होता है भाई, वाइब्रेट करता ही है। बट कोई अनवांटेड वाइब्रेशंस वैसी जो पहले थी भाई वो तो बिल्कुल हट गई। और बाकी भाई देखो थोड़ा बहुत तो वो बाइक का होता ही है कि वो उतनी करेगी ही करेगी, उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोगों को मे भी एक अज्यूम कर रहे होंगे कि भाई ये वाइब्रेशन आ रही है मेरे में, साउंड मार रही है। भाई बाइक में 400 cc दिया हुआ है, थोड़ी बहुत तो साउंड यहाँ से ऊपर से देगी ही। बाकी बस वीडियो इतनी रहेगी, आपको पसंद आई तो भाई ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं इसी के बाद में नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। एक लास्ट बार देख लेते हैं, वार्निंग नहीं है भाई, बिल्कुल क्लियर है, आई एम ऑल गुड। तो सी यू सून इसी के साथ, ओके बाय बाय।